गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा चौथी का नतीजा पढ़ाऊंगी। पाठ 11, कैद का दर्द। किसी नगर में पुरसैल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत निर्दयी और मक्कार था। पुरसैल पालतू तथा जंगली जानवरों को बेचने तथा खरीदने का व्यापार करता था। उसकी दुकान शहर के बीच में थी। वह बंदर, कुत्ते, बिल्ली आदि को बड़े पिंजरों में बंद करके तथा चिड़िया, तोते, फाख्ता और बुलबुलों को सुंदर पिंजरों में बंद करके उन्हें कतार में दुकान के सामने टांग कर रखता था। वह बहुत लालची किस्म का आदमी था। एक दिन जैसे ही उसने सुबह अपनी दुकान खोली तो एक आदमी उसकी दुकान पर आया। आदमी ने एक सस्ता नया सूट पहन रखा था। उस आदमी से पुरसैल बोला, श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदमी थोड़ी देर तक सोचता रहा और बोला, कोई चीज छोटी परंतु पिंजरे में बंद दीजिए। पुरसैल बोला, एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला है, क्या आप पसंद करेंगे? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, कोई चीज पंख वाली। पुरसैल ने पिंजरे में बंद एक जोड़ा सुंदर बाघताओं को नीचे उतारा और आदमी को पकड़ा दिया। आदमी ने पूछा, ये कितने पैसे का है? पुरसैल ने कहा, $5.50 थे। आदमी के पास केवल $5 थे। उसने पुरसैल से बाघताओं का जोड़ा पिंजरे से $5 में खरीद लिया। आदमी पिंजरा लेकर दुकान से नीचे उतरा और उसने पिंजरों को जैसे ही खोला, तुरंत फाख्ता एक के पीछे एक आकाश की ओर उड़ गई। आदमी ने पिंजरा जमीन पर पटक दिया। पुरसैल ने यह देखकर आश्चर्य किया और आदमी के पास जाकर पूछा, तूने $5 चिड़ियों पर खर्च कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया, तुम्हें क्या मिला? पुरसैल को उसने अपनी कहानी बताई। मैं एक चोर था, मुझे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। तब मुझे 5 वर्ष का जेल हुआ। मुझे पता है कि जेल का जीवन कैसा होता है। कैद सबसे बुरी चीज है। जैसे ही मैं जेल से बाहर आया तो मैंने सीधा तुम्हारी दुकान पर पहुंचा और मुझसे इन फाख्ताओं को कैद देखा नहीं गया। मुझे जो पारिश्रमिक $5 मिला था उसे मैंने इन चिड़ियों को आजाद करने का खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु इन चिड़ियों को आजाद करने में मुझे जो शांति मिली है मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। पुरसैल को अपने व्यापार पर बहुत शर्मिंदगी हुई और आदमी की दया भावना से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख जानवरों को पिंजरे से आजाद कर दिया। बच्चे, हमें किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। इस पाठ से भी शिक्षा मिलती है कि आजादी धन से भी प्यारी होती है। हमें जानवरों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। हमें जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ से प्रश्न उत्तर खालिस्तान आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी